गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बारे में, जिसके अंदर दो इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है किडनी ट्रे, जिसको एमेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है बेड फैन। तो ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर डेली यूज होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। तो आज इन दोनों इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसको पहले इमेज का है या क्या है मेरे साथ में करते हैं स्टार्ट, देखिएगा। सबसे पहले ये है किडनी, ये वाला है किडनी ट्रे। देखो इस किडनी ट्रे नाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, जैसे जो शेप के अकॉर्डिंग, जो किडनी है उसके अकॉर्डिंग ही इसका क्या है शेप दिया गया है, इसलिए इसको किडनी ट्रे के नाम से जाना जाता है। जो मोस्टली जो पेशेंट है इमेसिस बेसिन, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेसिस का मतलब होता है कि वॉमिटिंग, तो जैसे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो इस किडनी ट्रे के द्वारा इस जो वास्ट प्रोडक्ट है वॉमिटिंग है इसको यहाँ पर एकटा किया जा सकता है, तो इसके लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं। आपने देखा होगा कि शेप की बात करें तो वेरियस अलग अलग साइज़ की आपको मिलेगी, ठीक है ना, शेप किडनी शेप रहेगा, और साइज़ की बात करें तो अलग स्मॉल मिडिल और लार्ज साइज़ का किडनी ट्रे रहेगा। ठीक है, यूज़ की बात करें तो किडनी शेप बेसिन, तो ठीक है ना, किडनी ट्रे होती है वो कैसा शेप होता है, किडनी शेप का होता है। वाइडली यूज द सर्जिकल प्रोसेस, जैसे कि आपने देखा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें यूज़ करते हैं, कैरिंग द ड्रेसिंग हुआ, बैंडेज हुआ, या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है रखने के लिए, या सॉलिड ड्रेसिंग है, जैसे ड्रेसिंग किया और ड्रेसिंग करने के बाद में जितने भी ड्रेसिंग पार्टिकल्स होते हैं वो रखने के लिए, या वास्ट जो मेडिकल वास्ट होते हैं उसको कलेक्शन करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा यूज आने वाले हैं, तो आपका जो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, वो जो मैंने आपको लिख गया जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि इट कैन बी है हेल्ड क्लोज द पेशेंट बॉडी कन्वेंशनली बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ठीक है ना, ये जो शेप के अकॉर्डिंग इसलिए बनाया गया है कि पेशेंट को सुविधाजनक रहे, ठीक है ना, बॉडी के पार्ट के पास में अटैच आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ड्रेसिंग हो रही है, तो ड्रेसिंग हो रही है तो वहाँ से जो पस वस निकलता है तो जो वुंड के पास में उसको बॉडी के पास से अटैच करके पूरा पूरा फ्लूड है उसको इस किडनी ट्रे के अंदर लिया जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो 700 ml, लेंथ की बात करें तो 25 से 26 सेंटीमीटर के अंदर रह सकती है। ठीक है ना, विड्थ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर। ये कुछ जो किडनी ट्रे है उसका शेप है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं बेड पान की बात करें तो ये देखो इमेज के अंदर दिख रहा है आपको, ये जो प्लास्टिक का है, मेटल का है, तो ये सब स्टील का है, ये आपको अलग अलग वेरिएशन वेराइटी के अंदर आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसका यूज़ की बात करें तो ये जो कहाँ पर यूज आता है उसकी बात करते हैं। ये बेड पान इज ए रिसेप्टिकल यूज फॉर द टॉयलेटिंग ऑफ बेड रिडन पेशेंट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है ना, तो ये जो टॉयलेटिंग प्रोसीजर होता है जिसे यूरिन है या फिकल मैटर है, स्टूल है, तो वो पास करने के लिए जो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द बेड रिडन पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है वो हिल डुल नहीं सकते हैं, बेड पे रहते हैं, जो टॉयलेट करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये बेड पान है वो यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इज यूजली मेड ऑफ मेटल, ग्लास या सेरेमिक या प्लास्टिक। तो ये किसका बना होता है, सेरेमिक है, ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, ए बेड पान कैन बी यूज्ड फॉर बाथ, यूरिनरी एंड फिकल डिस्चार्ज। तो ये टॉयलेटिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसका जो मोस्टली जो यूज होता है यूरिनरी एंड फिकल डिस्चार्ज के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई जो सबसे पहले था किडनी ट्रे और दूसरा था बेड पान। तो आज इतना ही, धन्यवाद।